हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। माइक ओपन है ना? मेरा ओपन है, सुनाई दे रही ना आवाज? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर देते हैं। किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि भाई किस तरीके का केमिकल चेंज हो रहा है उनके अंदर, है ना। कैसे रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो किस तरीके का केमिकल चेंज उनके अंदर हो रहा है, इस बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो इंग्लिश का वर्ड है कॉम्बिनेशन। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो टाइटल होता है, टॉपिक होता है, टॉपिक का जो नाम होता है उसी में उसका बेसिकली समरी होती है, क्या है टॉपिक के अंदर। तो कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें, किस चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है, तो इस तरीके की हम केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, व्हेन टू और मोर या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इज कॉल्ड ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझे मतलब क्या है? मतलब जैसे एक के मान लो रिएक्टेंट वन है प्लस रिएक्टेंट टू है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और आपका एक प्रोडक्ट बन गया। ये मैं जनरल आपको जनरल इक्वेशन का एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, जैसे बन गया सिंगल प्रोडक्ट, ये जो सिंगल प्रोडक्ट बन गया, दो या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ दो का केस है, तो दोनों रिएक्टिव अगर सिंगल प्रोडक्ट बन गया मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए ना, बेसिकली एक तरह से कंबाइन हो गए, तभी तो नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कंबाइन होकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गई सिंपल सी बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए, तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई। डेफिनेशन क्या कह रही है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। बेसिकली जो चैप्टर है ना आपका, क्या चैप्टर है आपका, केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर में टाइप ऑफ आपकी रिएक्शन ही है। जैसे अभी हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, ये टाइप ऑफ सारी रिएक्शन ही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले टाइप हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये आ जाओ जी, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लो ये एक इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना भैया, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये आपकी रिएक्ट कर रही है किसके साथ, पानी के साथ, पानी मतलब H2O। और आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्म होता है, Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं समझ लो, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या भी वाटर है, ये तो पता ही होना चाहिए ना, ठीक है। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अब आप बोर्ड समझ सकते हो क्यों है एग्जांपल, बताओ क्यों है, क्यों नहीं है? वही सिंपल सी बात है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है। शब्द समझो ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन हो गए ये दोनों, कंबाइन के सिंगल प्रोडक्ट बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है। तो देख लो, ये रिएक्टेंट वन है, ये रिएक्टेंट टू है और ये बन गया एक प्रोडक्ट वन। ये जो बताया था ना आपको प्रीवियस पेज में, वही तो है जनरली है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये इस तरीके का एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रख लो, बताइए देता हूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली आप एक और नाम से जानते हो, ये CaO है ना कैल्शियम ऑक्साइड, इसको एक और नाम से जानते हो जिसका नाम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम कहीं कहीं आपके MCQ वगैरह में सिर्फ क्विक लाइम लिखा और आप कन्फ्यूज हो, क्विक लाइम मतलब यही है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी एक और नाम होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड
स्लेट लाइन, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर वन हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया जी। एक बार एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ ये रिएक्शन पूरी नहीं है, ये तो मैं तुम्हें समझा दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीट, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, प्लस हीट। अभी कंप्लीट हो गई थी, हीट ज़्यादा बहुत जनरेट होती है, मतलब ये बहुत ही हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी अब आपको एक्सोथर्मिक क्या होता है ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट आपकी बहुत सारी हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज हो गई ना। एनीवेज तो ये तो दूसरा टॉपिक है एक्सोथर्मिक। अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन पर फोकस करो, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल वन। और ये हीट है, ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल टू देखते हैं भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने चाहिए ना हमको, पता नहीं कौन सा आ जाए पेपर में। तो एग्जाम्पल टू जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो कह रहा है वो है बर्निंग ऑफ कोल। ये बड़ा पॉपुलर है, बर्निंग ऑफ कोल, इस पर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ कोल मतलब क्या है, कार्बन, और बर्निंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। तो सी प्लस ओ टू रिएक्ट होके क्या बनाएगा, सीओ टू। ये देखो लो, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अगर आप ठीक से देखोगे तो देख पा रहे हो, देख लो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है, ठीक से तो देखो। ये देखो, ये रिएक्टेंट वन प्लस रिएक्टेंट टू और बन के सिंपल प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्ट वन। तो देखो दो रिएक्टेंट कंबाइन होके कंबाइन हो गए तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी वाली केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ रही है ना, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एकदम। तो एग्जाम्पल टू क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, सी मतलब कार्बन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है जी, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ बड़ा कॉमन सा, उसके बाद ये टॉपिक आपको ऑलमोस्ट खत्म है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गया ना तुम्हें, इसमें इतना दिमाग चलाने वाला है नहीं ये टॉपिक। भाई दो रिएक्टेंट कंबाइन होके आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया था, तभी तो उसका नाम भी छिपा हुआ है, कॉम्बिनेशन, दो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। चलो एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री है, वाटर बनता है ना आपका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये कह रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस भी कहाँ गई, ये देखो ये दिखा दी मैंने आपको, अगर पेन कहाँ चला गया मेरा, ये भी हाइड्रोजन गैस, ये कंबाइन हुई ऑक्सीजन गैस के साथ और आपका क्या बन जाता है, एच टू। ये एक्चुअली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस इक्वेशन करना भी सिखाऊंगा, वो दूसरा टॉपिक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझ लो, ये हाइड्रोजन के दो हैं तो यहाँ भी दो हैं। बैलेंस मतलब जितने जितने मॉलिक्यूल आइटम रिएक्टेंट साइड में होते हैं प्रोडक्ट साइड में होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन के यहाँ दो हैं तो यहाँ भी दो हैं, पर यहाँ ऑक्सीजन के दो हैं या तो एक ही है तो यहाँ दो लगा देंगे, पर यहाँ जैसे ही दो लगाए तो हाइड्रोजन के चार हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर दो लगाना पड़ेगा। ये मैंने जल्दी समझा दिया, अभी आपको समझ नहीं आया होगा। इन आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ ना टू टू, ये किसको कहते हैं हम बैलेंस करना इक्वेशन को, ये दूसरा टॉपिक है, आराम से पढ़ाऊंगा, अभी से फोकस करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। तो ये भी एक इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, देखो ये रिएक्टेंट वन हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट टू ऑक्सीजन, और इसने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया वाटर। तो ये क्या हो गया, इन दो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो कोई शक, कुशक होना चाहिए पर, तो ठीक है। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा, हमने क्या करा आज के टॉपिक में, हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा कि होता क्या भी, और उसके हमने तीन एग्जांपल देखे जो कि आपके एग्जांपल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, इस चैप्टर में ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बोलो, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या है, इसका एग्जैक्टली उल्टा है, थोड़ा सेकंड दे देता हूँ मैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, इसका एग्जैक्टली उल्टा, उल्टा मतलब कॉम्बिनेशन में क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें एक रिएक्टेंट टूट के डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज मतलब एक रिएक्टेंट होगा, जैसे एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा।
एक्चुअली कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया ना, कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते, इसमें एक रिएक्टेंट टूट के ब्रेक होके या फिर हम बोल सकते हैं डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो ही खत्म हो गया। ठीक है, चलो फिर, टेक केयर।